चलो जी, डिमेंशन पे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखते हैं जॉर्ड डिमेंशन, जॉर्ड डिमेंशन, डिमेंशन या डिमेंशन, डायमेंशन। क्या लिखा मैंने? JDO, JDO एंटर किया मैंने, ये हो गया जीरो DJO, सिलेक्ट किया, ठीक है। और सेंटर पॉइंट, ठीक है, उसके बाद क्लिक करके कुछ लिखना है। अच्छा एंटर किया फिर। की लिखा मैंने डीजे DJO, सिलेक्ट सर्वर, ये कहना सेंटर लोकेशन, मैं कहता यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आपने राइट करना है। अब कहाँ पर टैक्स आना चाहिए? बस यहाँ पर यहाँ पर, सही है। ये जो, ठीक है, इसमें पे टेक्स्ट तो ना आया। टैक्स को हम अपनी मर्जी से लीड अच्छा सही कर सकते हैं। सही ये सर्कल के लिए बॉडी ये DR किया मैंने सर्कल के लिए, सर्कल के लिए, ठीक है। रेडियस वैल्यू ऑफ, ठीक है, ड्रा दो आप। फिर टेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, टेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डायामीटर डिमेंशन। डायामीटर क्या होता है? रेडियस के डायामीटर शो करेंगे सर्कल ना, तो क्या आ रहेगा? DD, आई DDI, DDI सिलेक्ट किया सर्कल, कितना डायमीटर है इसका? 20 फीट। अच्छा डाया के साथ ये डाया लिखती है और आ रही है सर। हाँ हाँ देखते हैं यहाँ पर DDT चलती है, ये आर्क लगाई हुई है ना, DDI। आर्क भी एक तो ही आर्क है आर ना, आर्क है ना ये एक आर्क वो लगे। दूसरी भी होती है जिसका वो यूं करके यूं, उसको क्या बोलते हैं? किसका? ये यार ये कल हमने डिमेंशन पढ़ी थी ना, जिसमें वो हमें वो शो कर रहा है कि इस जगह पर आपका आर्क कितने कितनी बनी हुई नहीं, है। इसका तो रेडियस है ना कांस्टेंट है, एक होती है उसका रेडियस वेरी कर रहा होता है। अब मेरी बात को समझ आ रही? फर्ज करें लिखता मैं DDI, ये मैंने सिलेक्ट किया और इसका डाया शो कर देगा, सेंटर से पकड़ेगा। ठीक है। यानी वो कहता अगर ये मुकम्मल सर्कल बनेगा तो 8 का बनेगा, आठ आठ का डाया होगा उसका। 8 का डाया होगा, 4 फुट रेडियस होएगा। ठीक है, ये आपके सामने ये जो है ना, जो हमने फिलेड किया था, इसमें वेरी कर रहा है ना जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा ये जो है ये हमारी लेंथ है, आर्क लेंथ आर्क छः लेंथ फुट है, तीन हाँ इंच जी ये हमारी स्ट्रेट लेंथ है, स्ट्रेट लेंथ है, और ये डाया डाया, छः ठीक फुट। ठीक है। DDI क्या है? DDI एंटर किया, यहाँ पे इस पर क्लिक किया और मैंने कर दिया, ठीक हो गया, शो कर दिया इसको। अच्छा ये सारी एक्सटर्नल एक्सटर्नल वाला स्टाइल है ना। हाँ जी, एक्सटर्नल वाला स्टाइल हमने चूज किया हो। अब उसके बाद है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट भी हम किसका मालूम करना चाहते हैं, या तो आर्क का या सर्कल का, ठीक है। बी फॉर कीता पेन, यहां पर मैं सी फॉर सर्कल ड्रा कीता, 10 फिट रेडियस दे देता मैं। एफ आर सी आर्क ड्रा की थी, क्लिक, आर्क को ऑफ करता हूँ यार, ये सेंटर पॉइंट और यहाँ पर मैंने
जितना दिन आते पर मैच ये माइनस 20 ये लगा दूँ, ठीक है? सही है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेंटर पॉइंट में करेंगे डी सी ई। आ गया सेंटर पॉइंट इसका, सेंटर पॉइंट शो नहीं हो रहा था, सेंटर पॉइंट शो करते हैं हम इसकी मदद डी सी ई, सेंटर पॉइंट ब्लूम करने के लिए। मेरा सेंटर पॉइंट ये आर ई सी, आर ई सी रेक्टेंगल का भी होता सेंटर पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी, करते हैं डी सी ई, कोई नहीं शो करेगा। क्या कह रहा है कमांड, सिर्फ सर्कल आर और जो कमांड के साथ भी वो शो कर, ठीक है? तो सही सोने। फिर उसके बाद एंगुलर डायमेंशन आ जाती है, यानी कि दो लाइनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है वो आप जाहिर करना चाहते हैं कितना एंगल है। लाइन ली मैंने, दिस इज अ लाइन आर, तो अब बाउंड कर लेता हूँ ये लाइन, ठीक हो गया? इन दो लाइनों के दरमियान कितना एंगल है वो शो करना है। डी ए एन क्या कह रहा है, सेलेक्ट आर्क सर्कल या लाइन, ये लाइन मैंने सेलेक्ट की, सेकंड लाइन सेलेक्ट की, कितना जी इनके दरमियान एंगल 90 का एंगल है, ठीक है? यहाँ पर मैंने क्या किया, डी ए एन सेलेक्ट किया, अब इनके दरमियान कितना एंगल है 157, और डी रख के जरा बनाते हैं एंगल, अगर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन मैच करते हैं 180 हो जाता है, 180 हो जाता है, ठीक है? डी ए एन क्लिक किया, 360 ठीक है, जहां मर्जी ले जाएं। ये देखो ना मैंने क्या किया, डी ए एन सर्कल सेलेक्ट, एक पहला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, पहला पॉइंट इसने ले लिया, पहला पॉइंट इधर से ले लिया, अब दूसरा भी मैंने वहीं पे क्लिक कर दिया, अब दूसरा पॉइंट ये देखो, एक पॉइंट ये सेलेक्ट है, दूसरा ये जा रहा है, साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, ठीक है जी? जैसे वो कहता है सेलेक्ट लाइन वन तो सेलेक्ट लाइन टू, असि एंटर भी एंगल कर सकते हैं ना, उठे जाके कर सकते, मैंने ठीक है डी ए एन, डी ए एन मैं कहता एक ये लाइन है दूसरी ये लाइन है, इन्हें दरमियान एंगल वो नहीं कटेगा, क्योंकि कहते लाइन्स आर पैरेलल, कितने जाके मिलती ही नहीं भैया, पॉइंट कितने जाके मिलेगा इन्हें लाइनों का, किसी ना किसी जगह पॉइंट जाके मिलेगा, तो देन वो आपस में इन्हें एंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर मैं ऐसे लगा था लाइन ऐसे पैरेलल लाइन ला के चेक करो, फिर परपेंडिकुलर फॉर्म में ला देता हूं ना, ठीक है? ए लाइन मैं खत्म कर दी है, अब मैं कहता हूं इन दोनों लाइन के दरमियान मुझे एंगल क्या बन रहा है वो मैंने देखना, डीएन सेलेक्ट लाइन, सेलेक्ट लाइन कितना बन रहा है एंगल, कहीं ना कहीं ये पॉइंट पे जाके लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, वो उस पॉइंट से यहाँ तक लाइन क्या बन रहा है 31 बन रहा है, पैरेलल लाइन का एंगल नहीं देगा, पैरेलल लाइन ऑलरेडी जीरो के एंगल पे ही होती है, सही है पप्पू? ठीक है, डायगोनल फॉर्म में जो लाइन होंगी उनका एंगल बता दूंगा। अब देखो मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ इस तरह, अब मैं आपको ये कमांड्स का ना बता रहा हूँ ना कि डिफरेंट एग्जांपल की मदद से, ये लाइन ली मैंने,
ठीक है, एक मैं लाइन इधर ले ली, ठीक है। अब मैं डी एन करता हूँ, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, सेलेक्ट सेकंड लाइन, फिर डी एन या फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दिया सेलेक्ट कर दो जी, मैं ये वो सेलेक्ट करता हूँ, डी ए एन पैरेलल में आई थिंक नहीं एग्जैक्ट पैरेलल तो नहीं है, कहीं ना कहीं जाकर मिल रही है, और एंगल कौन सा बना रही है, चार डिग्री माइनस एंगल बन रहा है उनके दिमाग, बड़ी दूर निकल जा रहा है, बड़ी दूर जाके मिलनी है, ठीक है। और सही हो गया, उसके बाद हमारे पास आ रही है आगे जाके मिलनी है पीछे पीछे, उसके बाद हमारे पास आ रही है क्विक डिमेंशन, एंगुलर क्विक डिमेंशन आ रही है, जो कि हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन शो करती है डिमेंशन। हाँ, जेड एंटर ई एंटर करता हूँ, वो प्लाट भी इसी से छड़िया सी कितने कितने, कितना गंद पै गया, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गंद पड़ेगा ना, ठीक हो गया। क्यू डी क्विक डिमेंशन के मारा क्यू डी आई एम, आप क्या कह रहे हैं, सिलेक्ट द ज्योमेट्री टू डिमेंशन, ज्योमेट्री नु सिलेक्ट करो, ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लगी है। अब इसी तरह आप कर सकते हैं क्यू, आप देखो उसने बता दिया यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है 13 फुट 6 इंच, टोटल कितना है 10 फुट जमा 13.6 इंच जो है वो जमा कर लो, तो 23 फुट 6 इंच कर लो, ठीक है, ठीक है जी। क्यू डी आई एम एंटर किया, सारे में सिलेक्ट कर लो, सारे में सिलेक्ट किया। अब किस तरफ आपने लेके जाना है, किस तरफ लेके जाना, मैंने कहा मैंने कहा इसको सारा उसमें शो कर दिया, ठीक है। थोड़ी जगह बनाने ना मुझे, लो जी क्यू डी आई एम, ठीक है, इस तरह मैं शो कर, ठीक हो गया 913 फुट, और नहीं और 913 फुट भी हो गया, पता ठीक है। और डबल शो कर रहा है, बीच 9 इंच की वो लाइन भी शो कर रहा है ना, और भी नाल शो कर रहा है, 9 इंच की लाइन नहीं शो करता भैया, जी लगी हुई है दीवार, दीवार कर रहा है, लेकिन है कि नहीं डिमेंशन 13 फुट 6 इंच, 13 फुट 6, अच्छा अच्छा 9 इंच वो अगली कर रहा है, दीवार है, ठीक है ठीक, ठीक हो गया। मूव किया यार, मूव टू बुलाती है, एम एंटर इन सेलेक्ट किया, एम एंटर इन सेलेक्ट किया मैं, एम एंटर सेलेक्ट किया, एंटर किया, इतो पढ़िया मैं उसे मूव करा दिया, कंट्रोल जेड से ही मूव नहीं हुआ, क्लिक नहीं हो रहा यार सही तेरा, ठीक है सही है, ठीक है। कोई डिमेंशन जो पूरी ज्योमेट्री सेलेक्ट करोगे उन्होंने सारे की डिमेंशन ऑटोमेटिकली शो कर दे, दीवारों की सब, और जनरल फॉर्म में मैं ओरिजिनल किया ही, वर्टिकल करा वर्टिकल शो कर देगा। उसके बाद की आएगा क्विक लीडर, ठीक है, एक एरो लीडर प्रोवाइड करेगा और राइटिंग सम कमेंट्स वगैरह, ऐसी कोई कमेंट लिखना चाहते हैं बारे में, नोट आई वांट टू राइट सम नोट
I want to write some comment about the this list. L E. क्या कह रहा है? First leader point. ये पहला हो गया. ठीक है. उसके बाद second point मैंने कहा ये है. ठीक है. ठीक है. अब वो कह रहा है जो आपने लिखना है टैक्स उसकी विड्थ कितनी रखनी है आपने? कितनी रखनी है? उसकी तो हाइट होती है टैक्स. मैं अगर 9 इंच रहा देना. ठीक है. एम टी मल्टी लेवल टैक्स और इसको बाद में ओके कर देना. टैक्स की सही हो गया? नहीं, टैक्स की हाइट और विड्थ से होनी है. उसने फिर तो पूछ रहा है स्पेसिफिक में टैक्स विड्थ. सही है. को हाइट को विड्थ ले. विड्थ को ले रहा है. ठीक है. ई फॉर एन एस. एक बार दो फुट करके देखता हूं. एल ई लीडर जिस मैं कहता लीडर यहाँ से शो करना है. सही. ये पॉइंट जो ना उसको मैंने यहाँ पे खत्म कर देना. क्या कह रहा है? टैक्स की विड्थ मैंने कितनी की थी? दो. मल्टी लेवल टैक्स. ठीक है. एंटर करता. ठीक है. सही. ठीक है जी. लिखना है मैंने एनोफिशियल टैक्स. मैंने तो ना 200 तो ही हाई है. ठीक हो गया जी. इसको अरेंज कर दिया मैंने. फिर उसके बाद हमारे पास आ रही बेस लाइन डिमेंशन. इधर देखो उन ये करती हर बेस पॉइंट से ना ड्रा करती. ठीक है. किसको? डिमेंशन लाइन को. डी बी है. अब बेस पॉइंट उन्होंने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया लास्ट. मैं करना सबसे पहले मैं डी एल आई करना वा. ए डी एल आई किया मैं यहां से लेकर इस पॉइंट तक. अब मैं करता हूं यहां पे क्या डी बी ए. उसी पॉइंट से उसने शो कर लिया. नजर आ रहा है? पहले डी एल आई लाजमी करनी है आपने. यूज लाजमी करनी है. वो उसको शो हर एक ही फॉर्मेशन शो कर. अच्छा, पहले क्या करना है? DBA यूज करने से पहले आपने DLI लाजमी लगा के DBA एंटर करनी है. DBA एंटर करना है आपने. यानी कि DBA जो आपने लास्ट डिमेंशन अप्लाई की होती ना उसको ऑटोमेटिकली पकड़ती है. ऑटोमेटिकली पकड़ती है. ये देख इसको हम क्या करते हैं. ये प्लाट शरीफ जो है ना ये बड़ा ही शरीफ है. इन मैं कॉपी कर लेना. ठीक है. यहाँ से पकड़ के ना ऐसे कॉपी कर लेना. ठीक है. पी फॉर पैन कर लेना. अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया डी एल आई. मैं कहता इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फासला ये बता दिया उसने. अब मैं डी बी ए करांगा. उसने पकड़ लिया उसी पॉइंट से. उसी पॉइंट से पकड़ लिया. मैंने कहा यहाँ तक का फासला. फिर मैंने कहा यहाँ तक का फासला. फिर मैं कहा इतना तक का फासला. हर एक दी मैच ऑटोमेटिकली लेता जाता जाएगा. सही है. ठीक है. जैसे आप देख रहे हैं किसी भी घर का जो बना होता है क्या उसे कहते हैं साइट मैप बना होता है उसमें उन्होंने शो की होती है मैं इसकी मदद से. नेक्स्ट फिर डीबीए के बाद आ रही है हमारे पास कंटिन्यूस डिमेंशन. ये भी क्या करती है हर पॉइंट के मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू द लास्ट पॉइंट हमें देती है. तो इसके लिए भी वो डी एल आई या डी ए एल पहले अप्लाई किया होना चाहिए जिस तरह डी बी ए कमांड असा यूज की थी है. थले नोट लिखा हुआ वड्डा सारा नोट मैं लिख के दिता है. उसे लिखा है एक फर्स्ट नोट. ठीक है. अप्लाई डी एल आई या डी एल या क्यू डी एम देन अप्लाई द बेस लाइन डिमेंशन. ठीक है. सही है.
या कंटिन्यूस डिमेंशन आपने अप्लाई किया, कंटिन्यूस डिमेंशन नहीं कर दी, जो पीछे आपने को डिमेंशन अप्लाई किया उसी पॉइंट को पकड़ेगी, पुराने ही पॉइंट को पकड़ेगी, ठीक है। ये इसी तरह जैसे ये इसने वैल्यू शो की है डीबीएन, इस तरह कंटिन्यू डिमेंशन भी वैल्यू शो की। सेम यही चीज है, ये देखो ना यहाँ पे मैं ले लेता ना, मैं डी एल आई सेम नहीं किया हुआ, डी एल आई दिस इज अ पॉइंट, यानी कि हो गया डी एल आई, ये आ गई, क्लिक किया। अब मैंने क्या करना है, डी सी ओ पकड़ लिया उसने, उससे आगे से ही पकड़ा पॉइंट से, ठीक है। मैंने कहा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो स्टार्ट लेती थी वो आगे कंजेक्टिव लेती, कंजेक्टिव लेती जाती है, यानी कि वही चीज है, पहले से दूसरा, दूसरे से जीरो लेके तीसरा, लेकिन वो स्टार्ट पॉइंट उसका सेम रहता है, इसका स्टार्ट पॉइंट जो है वो जहाँ पे खत्म है ये वहीं से कंटिन्यू, कंटिन्यू है ना, उसका नाम कंटिन्यू है, सही, यानी को उन्हें पूरा कर देना इस साथ, हाँ ठीक ठीक हो, सही है, सही हो, तो ये डायमेंशंस कंप्लीट हो जाती है।